हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश रथ यात्रा रूट का अफसरों ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी अस्थि कलश रथ यात्रा में आने की पूरी संभावना। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे मंडलायुक्त, मामलों के निस्तारण की ली जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नवागत जनपद न्यायाधीश ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा वादकारियों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाना है उनकी मुख्य प्राथमिकता। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा, साफ सफाई, अतिक्रमण, पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिए निर्देश। यातायात पुलिस ने बैंक कर्मियों को दी ट्रैफिक नियमों की जानकारी, एसपी ट्रैफिक ने कहा यातायात नियमों के प्रति जागरूक हों लोग तथा बकरीद पर किए गए रूट्स डायवर्जन में करे सहयोग। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, 114 में से 9 मामलों का हुआ निस्तारण। मुख्यमंत्री 25 अगस्त को करेंगे पोषण अभियान का शुभारंभ, डीएम ने कहा जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सुपोषण स्वास्थ्य मेला होगा आयोजित। नवनिर्वाचित जिला महिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा सरकार की योजनाओं को डोर टू डोर जाकर बताऊंगी और नई जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाऊंगी। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के सभी पदाधिकारियों के साथ आपसी परिचय, चुनाव के बेहतर संचालन के लिए नई कार्यकारिणी ने अडस कमेटी के सदस्यों का किया आभार व्यक्त। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब शोधपीठ के नाम को लेकर छिड़ी जंग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ का नाम हटाकर समाजवादी चिंतक स्वर्गीय मोहन सिंह का नाम दर्ज किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। सावन के अवसर पर जन कल्याण अखिल महिला समिति द्वारा रिमझिम कजरी का हुआ आयोजन, समिति की महिलाओं ने कजरी गीत और मनमोहक डांडिया नृत्य से बांधा समा।